तो लखीसराय एसआईटी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी की टीम ने रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के डकरा गांव में छापेमारी कर बंधक बैंक के कलेक्शन एजेंट से 65,000 रुपए लूट। मामले का मुख्य आरोपी टॉप 10 अपराधी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार अपराधी सोनू कुमार पर लूट आर्म्स एक्ट के 5 मामले दर्ज है। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वहीं एसपी पंकज कुमार ने बताया कि बीते 22 सितंबर को तेतरहट थाना क्षेत्र के तेतरहट बाजार में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर को तेतरहाट थाना अंतर्गत बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ लूटपाट की घटना मोटरसाइकिल सवार 3 अपराध कर्मियों के द्वारा किया गया था। उक्त कांड का उद्भेदन घटना के कुछ ही दिन बाद से हुआ था, जिसमें 2 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया था, लूटा हुआ रकम भी बरामद किया गया था। बंधन बैंक कर्मी से लूटपाट की उस घटना में शामिल तीसरा अपराध कर्मी सोनू कुमार, जो शर्मा तेतरहाट का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सोनू लखीसराय जिला के टॉप 10 अपराध कर्मियों में से शामिल है। विगत 15 दिन पहले PHQ के माध्यम से SPF के द्वारा लखीसराय जिले के टॉप 10 अपराध कर्मी की सूची भेजी गई है, जिसमें से सोनू भी एक है, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। इसके विरुद्ध अभी तक जो हम लोगों ने अनुसंधान किया है, जो जांच किया है, उसमें 5 केस इसके विरुद्ध दर्ज हैं।